वेलकम टू एसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेज। एसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम फिर से आपके सामने लाइव आ चुके हैं। वेलकम कोमल पटवारी, वेलकम भावना मिस्ती, वेलकम 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 संगीता बधावन। आप लोग के कमेंट पढ़ने के लिए हम फिर से है ना एक एक फोन हम ले लेते हैं ताकि कमेंट पढ़ने में परेशानी ना हो, है ना। और क्या बोलते हैं, डॉक्टर रीता वेलकम, मीठी शर्मा एक बार आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दें। कमेंट कहाँ रख गया, दिख गया। चलिए दिख गया है, अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। आपके कमेंट भी हम पढ़ेंगे और इसकी कलरिंग भी करेंगे, ओके। इसकी कलरिंग करने के तो इधर भी आवाज़ आने लगा, बड़ी गड़बड़ वाली बात है ये। तो इसका जो है ना कलरिंग जो मैंने किया था है ना, तो इसके आज हम थोड़ा सा नीचे वाला भी कलरिंग करेंगे और इसमें हम इसके फूल भी बनाएंगे। गुड आर्ट क्राफ्ट वेलकम, आपको सीधा दिखाई दे रहा है ना। हाँ दिख रहा है, ओके। तब हम करते हैं शुरू। अब आपके कमेंट है ना यहाँ पे, अब हमको दिखाई दे रहे हैं। नेहा गुप्ता जी, निशा गुप्ता जी वेलकम, सॉरी आपका नाम गलत पढ़ दिए है, वैसे नेहा गुप्ता भी यहाँ पे है कोई। चलिए अब हम करते हैं शुरुआत। नीतू घोषाल जी वेलकम, अब जैसे कि आप वो देख रहे हैं कि ये वाला मैंने कलरिंग, इसके जो पत्ते होते हैं। इरफाना रहीम जी वेलकम, हम इसका साथ के साथ अब ये भी हम थोड़ा सा करना शुरू करते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा सा दिखे ना, ऐसे अच्छा सा दिख नहीं रहा है और हम चाहते हैं कि अच्छा सा दिखाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस पत्ते में हम ग्रे कलर का यूज हम कर रहे हैं, ठीक है, लाइट ग्रे, वाइट नहीं, लाइट ग्रे, ओके ना, लाइट ग्रे हम यूज कर रहे हैं। और इस पत्ते में हमको वेरिएशन देना है, ये व्हाइट लगाते के ही साथ में इसमें वाली बात आ जाएगी। रजनी गुप्ता जी वेलकम, जो हमें चाहिए, आप लोग को दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा है, हाँ लाइट ग्रे, और इसमें हम शेडिंग भी देंगे। वेलकम परमिला जी वेलकम, ममता छोपड़े जी, अगर हम आप लोग का नाम अगर बार बार अगर अगर गलत हम पढ़ देते हैं तो आप इनबॉक्स में एक बार हमको हिंदी में टाइप करके बता देंगे ना, तो जो प्रोनाउन है वो हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे नाम देखने के लिए मिलते हैं ना
प्रोनाउंस में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए अगर कोई मिस्टेक होता है तो हम जानबूझ के नहीं करते हैं। ओके, वेलकम मोना पटेल। तो ये हम लाइट ग्रे कलर लिए हैं, और इस ग्रे में आपको बताना चाहेंगे कि मैं ब्लैक और व्हाइट मिक्सर को हम मिक्स करके इसमें नहीं लगा रहे हैं, इसमें हल्का सा मैजेंटा भी है, राव अंबर भी है। वेलकम मयंका सिंह, वेलकम ईरा राय, वेलकम श्रेया कुमारी, शीतल मोरकर जी वेलकम। और हम 10 मिनट वैसे लेट हो गए, तो एक गाना आप लोग सुने होंगे, मैं देर करता नहीं देर हो जाता है ना, हीना फिल्म का गाना है, जल्दी आने की कोशिश में फिर भी लेट हो ही जाते हैं, और कुछ ना कुछ लास्ट टाइम तक बच जाता है। ये देखिए, अब ये एक पत्ता बनने से इसमें एक बात आ गई है, एक एक डिटेल हम आपको बता रहे हैं कि इसमें हम कौन सा कलर हम लगा रहे हैं। अब ये लग गया ना, अब इसको थोड़ा सा सुंदर करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन हम देंगे, यहाँ पे डार्क हम थोड़ा सा देंगे, ठीक है ना। डार्क के लिए हम थोड़ा सा स्काई ब्लू और जो है मैजेंटा थोड़ा सा मिक्स करके इसमें हम लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये थोड़ा सा सुंदर दिखाने के लिए ये बोल रहे हैं कि लाइट ग्रे कलर आपने कैसे बनाया। उषा कैश जी वेलकम। ये है ना, इसमें हमने क्या किया, ये जो जो कलर हमने जो बनाया है, इसमें जो कलर हमने लगाया है वाइट, थोड़ा मैजेंटा, राव अंबर थोड़ा, और हल्का सा ब्लैक। और मैं आप लोग को बार बार यही बोलूंगा कि मैं कहीं भी इसमें बर्न टम्बर इस्तेमाल नहीं किया है, उसकी वजह है कि बर्न टम्बर हमारे टोकरी से मिस हो गया है, मिल नहीं रहा है। ओके, अब वो मिल नहीं रहा है, तब हम मार्केट जाएंगे तो बर्न टम्बर वो लाएंगे, और बर्न टम्बर वैसे ज़्यादा यूज होता है। तो खैर, आप बर्न टम्बर वैसे बना सकते हैं, अगर आपके पास येलो ओकर है या राव सेना है, बर्न सेना है और राव अंबर है, तो ये दो तीन कलर को मिक्स करके बर्न टम्बर आप बना सकते हैं। ये देखिए, हम इसमें शेडिंग हमने दिया, अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। अब इसमें थोड़ा सा और भी अगर हम डार्क अगर हम देंगे तो और भी थोड़ा सा इसमें वो गेटअप आ जाएगा। दीपशिखा जी वेलकम, वेलकम नेहा गोस्वामी। ये देखिए, तो इसमें वर्क तो है, ऐसा बात नहीं है, अगर अगर सुंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो इसमें आपको ये जो डिटेल है ना थोड़ा सुंदर के साथ में लेकर दिखाना पड़ेगा, यानी टाइम लगा के, जल्दी जल्दी नहीं होगा। आप देखेगा कि अभी एक ही पत्ते में इतना वर्क हम कर रहे हैं, है ना, तो टाइम लगता है, सब जल्दबाजी वाला नहीं है। थोड़ा और हम यहाँ पे डार्क करते हैं, थोड़ा सा और यहाँ तो डार्क होगा ही होगा। ये देखिए, गजब वाला यहाँ पे फीलिंग आ गई है इस पत्ते में। अब देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा व्हाइट लेकर चलेंगे, थोड़ा सा व्हाइट भी टचिंग करेंगे
और वो होगा सबसे ऊपर में, और ये देखिए ये हम व्हाइट यहां पे लगा रहे हैं यहां पे, ओके, और यहां पे, और हम यहां पे लगा रहे हैं। अब इससे इसकी जो सुंदरता है बढ़ गई, ये देखिए इसमें अब वो मजा वाली बात आ गई है इस पत्ते में, ये देखिए पत्ता ग्रे होता है क्या? और आपको बताना चाहेंगे कि ये बहुत से ऐसे वनस्पति है, पेड़ पौधा है ना, हजारों कलर आपको मिल जाएंगे, वो जरूरी नहीं कि वो ग्रीन ही होता है। ओके, तो अगर कोई फूल पत्ता अगर आप बना रहे हैं, आप उसमें आप यही मान के चलेंगे, नहीं हम इसमें ग्रीन कलर ही देंगे, है ना, हम इसमें लाल ही देंगे, तो यहां पे हमको थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करना है। ये देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट ये पत्ता का कलरिंग हो गया है सुंदर सा। ये देखिए बढ़िया सा हो गया। वेलकम मीनाक्षी, वेलकम कोमल जी। ये छिपकली क्या है जी? ये मेढक है ये? अच्छा, मेढक नाच रहा है ना, क्या बात है, ऐसे ऐसे स्टिकर आते हैं। अब हम करते हैं इसमें दूसरा वाला काम, तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा इसी ग्रे का यूज करेंगे, थोड़ा सा ये पत्ता होता है ना, ये जो है ना, ये अब इसमें हम थोड़ा सा ग्रे वाला काम करेंगे थोड़ा थोड़ा इसमें, इसलिए वर्क अभी हम कर रहे हैं। हर बार ब्रश साफ करना है क्या? नहीं, अगर हम ये ग्रे वाला अगर हम काम कर रहे हैं तो वही ग्रे और अगर कहीं अप्लाई करना है तो जरूरी नहीं कि हर बार ब्रश आपको साफ करने की जरूरत है। ओके, अब आप देखेंगे कि ये गीला है, बट इसमें हम ये कलर हम अभी भी लगा रहे हैं, तो उससे अब इसमें हो क्या रहा है कि जो कल इसमें जो कलर मैंने लगाया है वो इसके अंदर में भी मिक्स हो जा रहा है, जो हमें चाहिए हेडिंग के तौर पे चाहिए, इसलिए ये लगा रहे हैं। विनीता जी वेलकम। अब यहाँ पे आप बोलते कि नहीं ब्लैक नहीं, इसमें ग्रीन कलर लगा दीजिए ना, तो नहीं वो, क्योंकि ग्रीन कलर ऑलरेडी मैंने कपड़ा में हमने लगा दिया है। अंजू बेन बंसी जी वेलकम। तो इसलिए हम इसमें जो ग्रीन है ना अब ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। ओके, अगर मनोरमा जी वेलकम, अगर ज़्यादा ग्रीन यूज करेंगे ना तो ग्रीन ग्रीन ही लगेगा, इसलिए हम इसमें चाह के भी हम ज़्यादा ग्रीन यूज नहीं करेंगे। और यही जब हम पेंटिंग बनाते हैं ना तो ये हम पहले ही सोच के बैठते हैं कि कहाँ पे हमें कौन सा जो कलर अप्लाई करना है। प्रमिला मलतारे जी वेलकम। ये हम इसमें व्हाइट नहीं लगा रहे हैं, ओके, इसमें भी हम वही जो ग्रे वाला है ना वही लगा रहे हैं।
आप लोग को दिख रहा है ना, ये देखिए कितना अच्छा कलरिंग हो रहा है। वर्षा जी वेलकम। तो इसको गीले गीले में करने से हो क्या रहा है कि ये इसका जो जो कलर वाला जो कलर है ना, इसके अंदर में मिक्स हो जा रहा है। हमें ऐसा ही कलर चाहिए, बिल्कुल कंट्रास्ट यहाँ पे नहीं चाहिए। ओके ना, यहाँ पे और भी पत्ते हैं। तो ये सब को करने में टाइम लगता है, इसीलिए। वर्षा जी वेलकम। वेलकम जिन्नत जमशेद सोलेजा। हाँ, इसकी जो है ना ग्रीन ही बनी हुई है। जिनको गुस्सा आ रहा है वो लाइव छोड़कर जा सकते हैं। स्टिकर छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए छोड़ने की जरूरत नहीं है, जब आपको पसंद ही नहीं है तो यहाँ पे आप फिर आपकी आवश्यकता नहीं है ना। मंजू जैन वेलकम। हाँ वर्षा जी, आप भी बनाइए। ये पेंटिंग जब बन जाएगा ना तो इसका ड्राइंग हम अपने पेज पे लगा देंगे, आप लोग आराम से देख करके बनाइएगा, ठीक है। आपके पास A to Z आपके पास जानकारी है कि मैंने इसको कैसे बनाया है ना। हाँ, मुजम्मिल शेख वेलकम। आप लोग वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें, जो हमारे जो परमानेंट व्यूअर हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं, तो उनको तो ये सब कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए है ना। एक बटन ही दबाना होता है। ओके, अब देखिए ये कलरिंग करने से कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। अभी बनाने का मन हो रहा है तो ममता जी बना डालिए फिर। ओके, हमारा एक एक वीडियो रोज एक एक देख देख के बनाते रहिए। सचिन जी वेलकम। वेलकम अंजू बेन बंसी। हम हर वीडियो में यही चाहते हैं कि अच्छा से एक्सप्लेन हम कर पाए। इसमें नहीं चल रहा है।
यहाँ पे तभी मिक्स करना है। अब ये बैकग्राउंड में भी हम थोड़ा सा बनाते हैं, तो बैकग्राउंड के लिए हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं स्टैंड को, ताकि आप लोग को थोड़ा सा दूर से दिखाई दे, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा करना है मुझे, है ना। इस स्टैंड को थोड़ा हम ऊपर रखते हैं। आप लोग को दूर से दिख जाए, है ना। हिलना नहीं भाई, ये स्टैंड थोड़ा सा नीचे खड़े, थोड़ा अब ठीक है, अब अच्छा से रहेगा। निधि श्रीवास्तव जी वेलकम। अब इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बनाते हैं, ये वाला एरिया को, है ना। माउस कहाँ है, और ये एक कमेंट पढ़ने के लिए, गजल फातिमा जी वेलकम, प्रिया बैट्स वेलकम। तो अब आप देखेंगे कि अब यहाँ पे थोड़ा सा अब हम इसको करना शुरू कर रहे हैं। मैं लिंसिड ऑयल यूज नहीं कर रहा हूं, ओके। सुभाष चटर्जी वेलकम। हम यहाँ पे भी जो कलर लगा रहे हैं, वो जो ग्रे वाला है ना, उसी से रिलेटिव वाला जो कलर है वो लगा रहा हूँ, ओके। दीपिका राजीव आनंद वेलकम। गजल फातिमा जी अस्सलाम वालेकुम। इसको मिक्सिंग में लेके चलना है। ठीक है, ये हमने किया, बट ये अभी भी थोड़ा सा सही नहीं है, थोड़ा सा ये इफेक्टिव में जाएगा, ये ऐसे में जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा कलर वो लेते हैं रेडिस में। गवि विजय जी वेलकम, गुड आफ्टरनून। जय श्री जी वेलकम। दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, दिखना चाहिए, इसलिए हम बार बार जो है ना कैमरा की तरफ भी देखते हैं कि आप लोग को सही से दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, जरूरी है ना।
सचिन जी गांव गए हुए हैं और वहां से भी वीडियो देख रहे हैं, क्या बात है। ये तो और अच्छी बात है, गांव में है ना बगीचा होता है ना, आम के पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है ना, वहां पे बैठ के है ना वीडियो देखने का जो मजा ही अलग है। हम भी गांव जाते हैं ना, हमारे ठीक घर के सामने में आम के बहुत सारे पेड़ हैं, तो वहां पे जाकर आम की डाली के ऊपर बैठ करके हम अपना YouTube पे हुआ वीडियो देखते हैं, यानी जो अच्छा लगता है मोबाइल में वो हम देखते हैं, बड़ी अच्छा लगता है ना। छाया जोशी जी वेलकम, वेलकम शोभना सक्सेना। आजकल काम है ना खुल गया है, इसलिए लोग बिजी रहते हैं, इसलिए लाइव पे ज्यादा नहीं आते हैं, बट मजबूरी ये है कि पेंटिंग ये हमें कंप्लीट करना है, और जब कंप्लीट करना है तो मुझे लाइव तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि सर आधा मुझे सिखा दिए आधा बता दिए, आधा कौन बताएगा ना, इसलिए हम आप लोग के लिए लाइव आते हैं कि नहीं, जब हम शुरू किए हैं तो इसको अंत तक ले जाके ही ख़त्म हम करेंगे, और लगभग मैं अब ख़त्म होने वाला भी है। और ये बोल रहे हैं मेरा मार्बल पाउडर सॉफ्ट है, सॉफ्ट है मार्बल पाउडर, एक बार आप दिखाओगे क्या। ये वर्षा जी बोल रहे हैं कि मार्बल पाउडर ये देखना चाहते हैं आप, ऑनलाइन में वीडियो के द्वारा या फोटो के द्वारा किसी भी पाउडर का आकलन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको अपने मुट्ठी में आटा लाके आपको दिखा दूं तो आप यही बोलेंगे कि हाँ मार्बल पाउडर है ना, क्योंकि ये सब एक जैसा ही दिखेगा। हाँ जो जो चौक पाउडर है वो थोड़ा सा अलग वो दिखेगा, क्योंकि उसका जो कलर है वो होता है हल्का पीला में होता है ना, तो वो आप पहचान सकते हैं, बाकी का पहचानना मुश्किल है। इसलिए आप वेलकम सुनीता, वेलकम श्रेया कुमारी, वेलकम फातिमा जलाल, अब यहां पे जो भी कलर हम लगा रहे हैं गाढ़ा गाढ़ा कलर हम लगा रहे हैं, ओके गाढ़ा वाला जो कलर है वो हम लगा रहे हैं, पतला नहीं लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे है ना ये जो है जो रफ जो दिख रहा है अब वो उसमें कवरिंग आने लगा है ना। वैसे आप लोग हमारा वीडियो वैसे आप लोग देखते हैं खूब, अगर लाइव में नहीं देखते हैं तो बाद में देखते हैं, इसीलिए जो हमारा जो बाद वाला वीडियो है ना वो उसका ज्यादा व्यू हो जाता है, ये आप लोग बाद में देख लेते हैं। अभी ये कलर को हम रख रहे हैं, अभी हम इसको मिक्स भी करेंगे, अभी हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इधर आ जाएं क्या, इधर वाला में थोड़ा दूर से आपको दिखाते हैं, और आप लोग को दूर दिखेगा ना तो अच्छा रहेगा। मधुमिता नंदन जी वेलकम, अब इसमें जो पेंट है ना गाढ़ा वाला लगा रहे हैं, अब ये हमारा बेस है ना फाइनल हो रहा है, ठीक है। अब इसको करने के लिए अब थोड़ा सा इधर वाला बेस हम करते हैं। वर्षा जी बोल रहे हैं सर पहचानना होगा तो हम कैसे खरीदेंगे, ये मार्बल पाउडर के लिए आपको बताना चाहेंगे कि अगर खरीदने के लिए जाते हैं
तो सोफ्ट अगर आपको चेक करना है, जय श्री गंगा जी वेलकम। दुकान में जाते हैं तो मार्बल पाउडर वो दिखाता है कि ये मार्बल पाउडर है, तो अगर आप उसको वाकई में चेक करना चाहते हैं कि ये ठीक है यूज के लिए है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको उसको फील करना होगा, यानी उसको हाथों में लेकर चेक करना है। चेक आप उसको कैसे करेंगे, ऐसे कि वो आटे की मोटाई के बराबर है कि नहीं है, है ना, उसका जो जो पाउडर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ओके, तो वो चीज आपको फील करने से ही पता चलेगा। मैं अभी लिंसिड ऑयल यूज नहीं कर रहा हूं। वेलकम माथुर जी, क्योंकि लिंसिड ऑयल यूज करूंगा ना, तब इसमें शाइनिंग आ जाएगा और हम इसमें हम शाइनिंग नहीं चाहते हैं। ओके, और उसकी वजह आप लोग हैं। अब बताइए कि वो कैसे, जब इसमें शाइनिंग होता है ना, तो आप लोग बोलते हैं सर चमक रहा है, हम क्या करें। ज्योति सरदार जी वेलकम, वेलकम रेनू। तो इसलिए हम इसमें लिंसिड ऑयल लगा ही नहीं रहे हैं, ना लगाएंगे ना। वेलकम मंदिरा देवी, तो इसलिए इसमें हम लगा नहीं रहे हैं। वेलकम सुनंदा, लिंसिडर नहीं लगाने से इसमें वो चमक नहीं आएगा, चमक नहीं आएगा ना, तो दूर से आप लोग को बढ़िया सा दिखाई देगा, आप लोग को देखने में आनंद आएगा कि हाँ स्पष्ट दिख रहा है। और अभी तो ये पार्ट को हमको कंप्लीट करना है, वैसे भी आपका मार्बल पाउडर अगर मैदा जैसा है तो ये तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बाकी एक चीज आपको बताना चाहेंगे, मैदा इतना मार्बल पाउडर पतला नहीं आता है, वो हल्का सा दाने दाने हल्का सा होना ही चाहिए, होता ही है। ठीक है, वेलकम कंचन काले। तो अगर वो एकदम वो मैदे की तरह है तो वो मार्बल पाउडर नहीं होगा, वो और कोई चीज होगा। ठीक है, विद्या देश पांडे जी वेलकम। इधर भी थोड़ा आप लोग देखिए ना कि मैं इसको करके चला हूँ, है ना, देखना जरूरी है। ऑथेंटिक मार्बल पाउडर कहाँ से मिलेगा मुंबई में, ये ऑथेंटिक, ये नया शब्द आपने जोड़ दिया। ऑथेंटिक मतलब रियल वाला मार्बल पाउडर। मुंबई में जो कांदी वाली ईस्ट है वहां पे आपको मिलेगा, कुछ लोगों को वहां से ये पाउडर मिल गया है बिल्कुल सस्ते रेट में, तो आप भी जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि हम कहीं भी पत्ता में कोई कंट्रास्ट
कलर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। जसप्रीत कौर जी वेलकम। जो भी कलर मैं इस्तेमाल इसमें कर रहा हूँ वो डल कलर है। आज जो बड़े बड़े कलाकार लोग हैं ना डल कलर का ही इस्तेमाल करते हैं। कंट्रास्ट कलर में होता है क्या कि उसमें बचपना सा दिखता है। महक आरजे वेलकम। तो आप लोग भी कुछ पेंटिंग अगर बनाएंगे ना तो कुछ ऐसे ही कलर का इस्तेमाल कीजिए, जान आ जाएगा पेंटिंग में, जान। मिद्दत राजिया वेलकम। पल्लवी जैन वेलकम। अब ये देखिए ये आपस में इसको हम मर्ज कर रहे हैं, ये आपस में वो कलर को मर्ज कर रहे हैं। हाँ जसप्रीत कौर जी जेल रोड पे हैं, हरिनगर है ना जेल रोड। तो आपको बता रहे हैं कि उत्तम नगर के ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन का जो पिलर संख्या है 657 पिलर संख्या के ठीक सामने वाली गली में बहुत से मार्बल की दुकान है, आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी दुकान में मिल जाएगा उत्तम नगर। ओके, वहाँ पे बस आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत मात्रा में वो लोग रखते हैं, तो बस आप वहाँ पे जाके उस पाउडर को आपको फील करना होगा, चेक करना होगा कि वो पतला है कि मोटा है, तो पता चले कि उसने आपको मोटा वाला आपको दे दिया। मालती जी बोल रहे हैं कि एड्रेस देंगे क्या, एड्रेस और नंबर का ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया ना अभी। आर्ट एंड क्राफ्टिंग क्रेजी वेलकम। आप लोग बड़ी अच्छा नाम रखते हैं, आर्ट एंड क्राफ्टिंग क्रेजी। तो वहां पर जाइए और लीजिए। अब इसमें जो कलर हम लगा रहे हैं ना मोटा कलर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हम फाइनल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो कलर है ना उसमें हम ऑयल ज़्यादा मिक्स हम नहीं कर रहे। अगर मिक्स हमको अगर करना भी पड़ रहा है ना तो हम इसमें हम तारपीन तेल यूज कर रहे हैं। ओके, उस दिन तो हमने फटाफट स्पंज से हमने मार दिया था, है ना, एक कोट हम मार देते हैं। अच्छा ये है क्रेजी आर्ट है। अच्छा सरिता जी वेलकम। क्रेजी किया रे। अभी ये जो हम जो कलर हम लगा रहे हैं डार्क एरिया में है ना, इसमें भी थोड़ा सा हमको इफेक्ट देना है सुंदर वाला। सर कैन नॉट प्रॉपरली, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ये कैसे संभव है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जहां हमने फोकस किया है वहां तो दिख रहा है। हाँ ये कि जो पिक्चर हम बना रहे हैं वो नहीं दिख रहा होगा, उसकी वजह यही है कि हम दिखाई नहीं रहे अभी, है ना, हम अलग रखे हैं कैमरा को। मयंका जी हमारा नंबर लिख दिए हैं, अगर हमारा नंबर चाहिए तो ये नंबर नोट कर ले आप लोग। ओके
पुष्पा तरूर जी वेलकम, वेलकम अकबीरा देश पांडे, वेलकम मंजू जैन, अभी यहाँ पे जो अभी हम जो करने वाले हैं इस एरिया में है ना, अभी आप लोग देखेंगे बड़ी सुंदर बनेगा इसकी शेडिंग। ये जो पेंटिंग है इसका जो साइज है पेंटिंग जो रियल जो डॉक्टर रूपाली जी वेलकम, कौन से शेड है? ये है वाइट, मेजेंटा, राव अंबर और ये हल्का सा ब्लैक मिक्स करके हम ये शेड हम बनाए हैं। ओके एक्चुअली में ये पेंटिंग का जो साइज है आपको बता रहे हैं, एक्चुअली में पेंटिंग का ये साइज है, ये है ठीक है ना, लंबा में है ये, बट ये जिस एरिया में इस पेंटिंग को टांगना है ना उसका एरिया ज़्यादा है, तो ये वाला एरिया मैंने बढ़ाया है इधर से भी और उधर से भी बढ़ा हुआ है। ओके वेलकम आर्यन, वेलकम परी, वेलकम डॉक्टर राजकुमार, वेलकम अनीता, वेलकम प्रवीण, आर ज्योति जी वेलकम, सूखा सूखा ब्रश को हम यहाँ पे घिस रहे हैं बस कि ताकि जो कलर हम लगाएंगे ना आसानी से मिक्स हो जाएगा, ज़्यादा मोटा कलर भी हम इसमें लगा नहीं रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बेस हमारा जो है ना वो एक कोट से बना हुआ है तो इसमें कवरिंग अच्छा आ जा रहा है। ओके तो हम मोटा पेंट इसमें यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि मोटा पेंट यूज करेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगता है। वेलकम संजय जी, ये कैसा आर्ट है? ये जो है इसको रिलीफ भी बोल सकते हैं, म्यूरल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इम्बोज है, उठा हुआ है, इसकी कलरिंग अभी हम कर रहे हैं तो इसलिए आप लोग आराम से इसकी कलरिंग होते हुए देखिए। अब आपके सामने पेंटिंग बन रहा है, बताइए कितनी अच्छी बात है, टोटल चीज ए टू जेड तो है ना, एक अच्छी बात। जोय शेखर जी वेलकम, इसका प्राइस क्या रखा है? इसका प्राइस हमने रखा नहीं है, ये ऑलरेडी ऑर्डर का काम है ये, इसलिए हम बना रहे हैं और ऑर्डर वाला जो काम होता है उसका हम पहले से ही पैसा एडवांस में लिए हुए होते हैं, इसलिए दिक्कत वाली बात नहीं होती है कि इसको हमें बेचना है, कहाँ बेचें, कैसे बेचें, है ना, ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। यही वजह है कि हम आपको फ्री में सिखा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कि पेंटिंग तो बनाना है ही है, इससे अच्छा आके आपको हम दिखा देते हैं
ताकि आप लोग भी बनते हुए पेंटिंग को देख पाए, है ना। हाँ, अगर इसको वैसे अगर हम बनाते तो बनाने का मतलब ही नहीं था। अब बताइए कि बिना किसी पैसे लिए हुए कोई काम इतना देर तक करेगा? नहीं करेगा ना। जसप्रीत कौर पेंटिंग आपको बताना चाहेंगे कि ये वाला काम है ना, वो काफ़ी महंगा बिकता है। ओके, और मेन डिपेंड करता है आर्ट के ऊपर कि आप आर्ट कैसा बनवा रहे हैं, बनाने वाला कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के डेट में आपको बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन से जो पेंटिंग है ना, गूगल से लोग सर्च करते हैं और उसी की जो क्लासेस लेकर आ जाते हैं कि आइए हम आपको ऐसा पेंटिंग बनाना सिखाएंगे, और फाइनली होता है क्या है कि उनसे ही नहीं बन पाता है। ठीक है, तो अच्छे पेंटिंग दिखा करके लोग बोलते हैं हमारी क्लास ज्वाइन करो, अब उनसे खुद नहीं बन पाता है। अब बताइए, तो जो लोग भोले भाले लोग हैं वो पेंटिंग देख के, अरे वाह कितनी अच्छी पेंटिंग सीखने के लिए मिलेगा। आ यहाँ जो गुरु जी बने हुए हैं उन्हीं को नहीं आता है, तब इसी से आप समझ जाइए कि आपको वो क्या सिखाएंगे, उन्हें उन्हें खुद ही नहीं आता है। ये सब आर्ट से थोड़ा सा खेलना पड़ता है। मिस्टर बीन घर में लगा दिए क्या? हाँ लगा दिया, टांग दिए। और आपको बताना चाहेंगे कि इसको हमने कल शाम को ही टांगा है, मिस्टर बीन को लगा दिए हैं। उसमें हमने इतना मेहनत मैंने किया था, तो एक जाहिर सी बात है कि हम उसको यूज हम करेंगे, है ना। ये पेंटिंग खैर बनते के साथ में ही ये डिस्पैच हो जाएगा, जहां पे लगना है ना वहां पे ये पेंटिंग चला जाएगा। शोभना सक्सेना जी वेलकम। वेलकम सरला शर्मा। हाँ, ये कि मैं अपनी बात आपको बताता हूं कि जो हमसे हमारे हाथ का काम चाहते हैं उनको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मिस्टर बीन का एक फोटो भी डाल दीजिएगा ग्रुप में। अच्छा ठीक है, मैं वैसे वीडियो तो मैंने बनाकर डाला ही था, फोटो नहीं डाला है ना, तो वो हम डाल देंगे। ठीक है, तो हमारे हाथ से जो स्पेशल जो बोलते हैं कि नहीं आप ही बना के देंगे, ये नहीं कि आप किसी और से बना के दे देंगे, तो उसका थोड़ा सा रेट हम ज्यादा लेते हैं, क्योंकि हम उसमें काम जो है ना बड़ी तसल्ली से करते हैं और मजेदार वाला काम करते हैं। मोहम्मद अहमद वेलकम। अभी आप देखेंगे कि मैं इसी एरिया में मैं लगा हुआ हूं, है ना। तो लगने का मतलब ये नहीं कि मैं टाइम पास यहां पे कर रहा हूं, नहीं, इसकी जो डिटेलिंग है वो चल रही है यहां पे।
अब आते हैं छोटा वाला ब्रश से, अब सुपर डुपर से भी ऊपर। वेलकम नीरू ओझा, नीरू ओझा जी आप पेंटिंग आप थोड़ा सा देखिए, ये हम बना रहे हैं पेंटिंग है ना, अभी इसकी कलरिंग हम कर रहे हैं, अभी ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो इसको यहाँ पे ऐसे रख देते हैं और इसको करते हैं ना। वीडियो देखा, हाँ हमें तो अब यही अच्छा लगता है कि जो भी पेंटिंग बनाओ ग्रुप में डालो है ना, अच्छा लगता है। अब आप देखेंगे कि इस एरिया में हम थोड़ा सा लाइट कलर से वेरिएशन अब डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम शेडिंग दे रहे हैं ताकि ये सुंदर और लगे। ये देखिए थोड़ा सा, सर मिस्टर बीन बनाया बनाए थे उसका एक कमेंट। यहां पे अब हम थोड़ा सा लाइट जो कलर है उससे हम यहां पे शेडिंग दे रहे हैं, इसमें जो है ना अब एक वेरिएशन वाली बात अब आ रही है ना, छोटा वाला ब्रश से। तो यही होता है इसका डिटेलिंग, जो आप जो डिटेलिंग आप इसमें करना चाहते हैं, कितना मेहनत इसमें आप करते हैं। एक बार आपको नजदीक से दिखाते हैं ठीक है ना, नजदीक से आप लोग देखेंगे कि हम इसमें एक बार हम हाथ से उठा लेते हैं ना, थोड़ा सा आपको दिखना चाहिए। ये सब है इसका डिटेलिंग वाली बात है ना, ये जो है डिटेलिंग वाली है। ये सब होता है डिटेलिंग। पेंटिंग अच्छा होता है ना तो उस पर कमेंट अच्छे आते हैं। अब बाकी हम आप लोग को यही बोलेंगे कि जो नए स्टूडेंट हैं वो जैसा भी बनाते हैं उनके काम को आप लोग क्या बोलते हैं प्रोत्साहित कीजिए, कि ताकि वो और इन फ्यूचर में अच्छा बनाने की कोशिश करें वो जो नए हैं। अब यहां पे भी हम थोड़ा सा जो है ना यहां भी ये देखिए, एक मिनट यहां पे ऐसे रखते हैं थोड़ा सा। तो ये सब होता है डिटेलिंग, यही सब आप लोग जो है ना मिस कर जाते हैं। अब आप देखेंगे कि हम यहीं पे गुटर 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 ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, तो इसके पीछे यही है। डिंपल मल्होत्रा जी वेलकम। हम आने वाले टाइम में ऐसे कुछ अगर मैं क्लासेज में ले कर आता हूँ ना ऑयल पेंटिंग का ये सब, तो उसमें तो और हम आपको पूरी डिटेल में आपको बताएंगे, टाइम ज़्यादा लेंगे, अच्छा से होगा क्लास और
अच्छी तरह से एक एक जो डिटेल है आपको समझाएंगे। और हमको लग रहा है कि ऑनलाइन अभी के डेट में सबसे बेटर है, ऑफलाइन से अच्छा, कि आप घर बैठे कम फीस में कहीं से भी किसी से भी आर्ट आप सीख सकते हैं। ये एक अच्छी बात है, इसलिए आप लोग ऑनलाइन को बढ़ावा दीजिए ताकि आपको घर बैठे अच्छा अच्छा आर्ट सीखने के लिए मिले। कंचन मंसल जी बोले, हाँ हमें कलर करना पड़ेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कलर कौन सा लिया है? इसीलिए तो आप लोग को हम बताते हैं कि ये कलर हम यूज कर रहे हैं। हमने तो बताया तो है ये कलर में हमने कौन सा यूज किया था, ये कौन सा, ये इसीलिए बताते हैं। उसी उसी कलर को आपको फॉलो करना है, बस उसी से बन जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि इस पेंटिंग को अगर आप लोग बोलेंगे कि 10 प्रकार का इस पे कलर आप कर दीजिए, है ना, यानी ऐसे पेंटिंग 10 बना के दे दीजिए, तो वो 10ों को हम अलग तरीके से इसकी कलरिंग हम कर सकते हैं। और जो 200 बनेगा ना वो टॉप क्लास का बनेगा, गजब वाला एकदम। अब थोड़ा सा हमारा हाथ दर्द करने लगा, आप लोग को ये पकड़े पकड़े फोन को। भोलेनाथ जी वेलकम, तुलसा जी वेलकम, भोलानाथ जी तो हमारे लाइव पे आते ही आते हैं, इसके लिए इनको हम थैंक्स बोल रहे हैं। ऐसे ही आते रहिए हमारे लाइव पे। अच्छा हैप्पी छठ पूजा, अभी इसको ये लगाने के बाद ये यहीं पे ये अभी खत्म नहीं हो ये हुआ है, अभी आगे इसमें और भी है, ठीक है ना। अभी तो हम इसमें ये कलर लगा रहे हैं। अनुभव जोशी वेलकम, अभी गजब का जो पेंटिंग है ना इतवार को आ रहा है, थंगा आर्ट गजब का, उसको करने में हमें काफी टाइम वैसे लग गया था, बट फाइनली बहुत सुंदर बना है। तो उसकी जो लॉन्चिंग है हम इतवार को करने वाले हैं। अच्छा भोलेनाथ जी ड्राइंग टीचर है, बहुत अच्छी बात है। हम भी यहाँ पे लाइव आके हम भी आर्ट टीचर बन गए हैं।
ऑनलाइन में लोगों को पेंटिंग हम सिखा देते हैं। और यहाँ पे आके हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। मीता पटेल जी वेलकम, यहाँ पे आए हैं तो आप जैसे लोगों से हमारी जान पहचान हुई है, नए नए लोगों से बातचीत करते हैं, बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है, सीखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए जो फेसबुक है उनको हम थैंक्स भी बोलना चाहते हैं। टिंकू बॉस वेलकम, ये कलकत्ता से हैं और ये हमारे लाइव कभी भी मिस नहीं करती हैं। चंदना अहिराओ वेलकम, अब आप लोग बताइए कि आप लोग जो भी आते हैं हम सबका वेलकम करते हैं ना, कि एक भी नाम छूटने ना पाए, है ना? अच्छी बात है। अब फिर भी कहीं से नाम छूट जाता है तो हम उसे माफी चाहते हैं। अनु जी वेलकम, जल्दी सिखाइए तंजौर पेंटिंग, अगले मंथ में आ रहा है। ओके, तंजौर पेंटिंग बहुत दिनों से लोग मांग कर रहे थे तो वो अगले महीना आ रहा है। बढ़िया सा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये है कि ऐसा वेरिएशन लाने के लिए मुझे इसमें अभी कितना मेहनत करना पड़ा है बताइए, है ना? तो इतनी जल्दी ऐसा कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है इसमें ज्यादा, ठीक है ना? तो आप लोग भी एकदम पेंटिंग बनाइए ना, आराम से बैठ जाइए और बनाते रहिए। इसमें है पेशेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऊब जाएंगे तो आपकी पेंटिंग जो है ना गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम आप लोग के लिए हर शनिवार रविवार को नया आर्ट ट्रिक लेकर आते हैं। अब इस वाले जो शनिवार रविवार है उसमें जो तंजौर पेंटिंग का जो बोर्ड होता है कैसे बनाते हैं, ये हम आपको बनाना कंप्लीटली हम सिखाएंगे। सर कौन सा ब्रश यूज कर रहे हैं आप पेंटिंग में? आप इसमें कोई भी जो ब्रश है आप यूज कर सकते हैं, बाकी जो ज़्यादातर है ना जो जो सिंथेटिक आता है हॉगियर, मैं वो यूज कर रहा हूं। ओके, अब यहां पे हमें थोड़ा सा जो बड़ा वाला जो ब्रश है अब वो यूज कर रहे हैं। दीप्ति जोशी जी वेलकम, ये क्ले बनाना तो मैंने कई बार बताया है, हर वीडियो में हमने बताया है, तो इसमें आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अब ये देखेंगे कि अब ये सूखा ब्रश से हल्का हल्का हम इसको हल्का हाथ से दबा के नहीं, ऐसे से दबा के नहीं, हल्के हाथ से हम इसको मिक्स कर रहे हैं कि वो मिक्स भी हो जाए और उसका पैच भी दिखे, है ना? और जो वहां पे जो कलर लगा है वो भी वो दिखे और अच्छा भी लगे। अगर तेजी में इसको मिक्स करेंगे दबा के तो ये आपस में मिक्स हो जाएगा, वो तो वो इफेक्ट नहीं आएगा। हल्के हल्के हाथ से ये मैंने इसको किया है ना, हल्के हाथ से। ये हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से, ठीक है? इसी प्रकार के पेंटिंग बनाने में बहुत सारे ट्रिक हैं जो आने वाले टाइम में हम वन बाय वन लाइव में या पेड क्लास में हम आप लोग को बताएंगे।
तो इसलिए अगर आपको अगर किसी का भी अगर क्लास ज्वाइन करनी है तो पहले उसका आर्ट देखिए, है ना। वो ये नहीं कि इंटरनेट से फोटो डाउनलोड कर लिया और आपको वो बोल रहे हैं कि आइए ज्वाइन कीजिए, तो आप बिल्कुल ज्वाइन न करें। ओके, वो लुभाने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, ऑफर वाली बात करते हैं, आइए 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 ऑफर लीजिए, हम आपको ऐसे आपको पेंटिंग सस्ता में सिखाएंगे। हम अभी दो तीन जो क्लास लेकर आए हैं, फीस उसकी मिनिमम इसलिए रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें अब कंचन जी बोल रही है कि सर गणेशा हमारा जो है ना अच्छा बना है बट आपके जैसा नहीं। अब देखिए, अब हमारे में और आप में है फर्क, है ना। आप भी अगर निरंतर आप अगर मेहनत अगर करते हैं तो आप भी हमसे अच्छा बना सकते हैं, मेहनत के ऊपर है ना। तो लोग यहां पे सीधा पिंटरेस्ट से फोटो डाउनलोड करते हैं, बड़ी सुंदर सा एकदम ऐसा लगता है कि पेंटिंग अब वो बोल उठेगा। और वो पेंटिंग फिर मार्केट में नहीं आता है, बनने के बाद स्टूडेंट लोग है ना शर्म के मारे पेंटिंग शो नहीं करते हैं कि ये हमने बनाया हमने सीखा, क्योंकि जो सिखाने वाले हैं उनको नहीं आता है। तो वहां पे स्टूडेंट लोग अपने आप को वो ठगे हुए महसूस करते हैं कि जा मैं ठगा गया। बट हमारे पास ऐसा नहीं है, ठीक है। हम आपका पूरा गाइड हम करते हैं, कहीं पे अगर दिक्कत हो सीधा हमें कॉल कीजिए, हमें आप लोग से बात करने में आनंद आता है, अच्छा लगता है। हम इस पेंटिंग को भी दिखाएंगे। गणेशा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन वैसे कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ओके, बट अभी जो गणेशा है ना, गणेशा के वो तो है ही है, हम अब दूसरा आर्ट लेकर आ रहे हैं। अब हम बार बार हम गणेशा ही लेकर आए हैं ना, तो आप लोग भी बोले हैं कि इनके पास तो गणेशा ही है, इसलिए हर बार कुछ नया 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 नया। और स्टूडेंट लोग के लिए मैंने ग्रुप बनाया है एसके आर्ट पॉइंट, उसमें केवल स्टूडेंट लोग ही अपना आर्ट शो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए सर, वाटर फाउंटेन टेबल टॉप की क्लास भी ले लो, ये हमारी गीता मैडम जी लेंगी ये क्लास, ठीक है, अच्छी बनाती हैं ये। हम जो आर्ट आपको सिखाएंगे एडवांस वाला आर्ट होगा, ओके, नए मटेरियल, नए आर्ट, नए टेक्निक इससे आपको सीखने के लिए मिलेगा। ओके, ये देखिए, अब ये लगभग ये पार्ट हमारा थोड़ा सा सुंदर लगने लगा है, ये देखिए, बट अभी ये कंप्लीट नहीं, अभी ये मिक्स अभी होना है, और ये अभी मिक्स होते हुए अभी इधर ये बराबर होगा। ये ओके, हम इसको फिर फटाफट ऐसे ऐसे इसको करते हैं मिक्स।
ताकि ये अच्छा लगे। ये देखिए मिक्स, अभी कब होगी क्लास न्यू? जो हमारा स्पेशल जो होता है हमारा क्लास हर संडे और शनिवार को लाइव आते हैं, उसमें आप हमसे बातें कर सकते हैं। अभी आते हैं ये पेंटिंग बनाने के लिए बस। ये पेंटिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तब फिर हम रोज रोज नहीं आएंगे, आएंगे बस शनिवार और रविवार आर्ट ट्रिक लेकर। रात को फिर हम 9 बजे आएंगे, नहीं 9:30 बजे के बाद इसी आर्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हम ये वाले एरिया को कंप्लीट करेंगे है ना, और उस वाले एरिया को। तब तक के लिए अभी के लिए हम इतना ही एंड करते हैं। वो ज़्यादा टाइम हो रहा है ना, ठीक है ना। सर आप गजब कर रहे हैं, वेलकम। कलर मिक्सिंग की क्लास, अच्छा ये आएगा, सब आएगा। अब आपको पता है कि मैं अकेला हूँ, ऑर्डर का काम भी पूरा करना है, लाइव भी आके आपको सिखाना है, सब कुछ बताना है, तो ये सब थोड़ी सी दिक्कत है। बट ये सब का भी हम जो समाधान है हम ढूंढ रहे हैं है ना। अच्छे अच्छे जो टीचर है ना, हम उनको उनके साथ में जुड़ के काम करेंगे एक टीम की तरह है ना। तो उसमें आपको हाँ याद रहे कि हम जिनको भी जोड़ेंगे ना वो एक्सपीरियंस वाले होंगे, अच्छा खासा अनुभव वाले। उनका हम पहले आर्ट देखते हैं, आर्ट के बारे में बात करते हैं, अच्छी तरह से उनको हम वॉच करते हैं, उसके बाद ही हम उनका चयन करते हैं कि ये आप लोग के लिए उपयुक्त हैं या नहीं है। ओके क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले अच्छे टीचर होंगे उतना ही आपको अच्छा आर्ट सीखने के लिए मिलेगा और अच्छी जानकारी मिलेगी है ना। और जो नए नए आए हैं तो उसमें बहुत सी होती है कमियां है ना। दीप्ति गुप्ता जी वेलकम। ये है कि देखिए दीप्ति जी हैं, ये भी बड़ी अच्छा पोर्ट्रेट बनाए थे, ये बहुत ही सुंदर फर्स्ट बार में इन्होंने बनाया था, मज़ा आ गया था। इसीलिए अगर हम ऐसे कुछ आर्ट लेकर आते हैं और बोलते हैं कि ये चीज़ आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ है ना। अलका वर्मा जी वेलकम वेलकम, पुनीत कुमार है ना। तो ये सब होता है बात, और आपको हमारे इस पेज पे हर तरह के आर्ट आपको सीखने के लिए मिलेगा। जितने भी आर्ट के जो फॉर्म होते हैं सब आपको सीखने के लिए मिलेंगे। यही नहीं कि आपको एक एक ही तंजोर पेंटिंग और रिलीफ पेंटिंग में हम बांध के रखे रहे ना, तो ऐसा नहीं है। रिलीफ पेंटिंग में आपको बताना चाहेंगे 2 महीना के मेहनत में आप अच्छा काम आप कर सकते हैं। रिलीफ पेंटिंग कोई बड़ी बात नहीं है, 2 महीना। ओके और हम चाहते हैं कि जितने प्रकार के आर्ट है सब हम आपको सिखाएं।
और अब तक हमारे जितने भी जो हुआ है क्लासेस, सब बहुत ही अच्छा गया है, बहुत ही सुंदर गया है, बहुत ही सुंदर हमारा, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने ज्वाइन किया है रिकॉर्ड तोड़। ये देखिए इसको हम मिक्सिंग करके ऐसा हम, वेलकम किरण जी। अभी हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि अभी यहाँ पे है ना, ये भी अभी होना है काम, ओके, अभी सुंदर सा काम अभी होना है, बस आप लोग देखते जाइए कि हम इसमें करते क्या हैं, और आप लोग के सामने ही, बस आप लोग एपिसोड बनाते रहिए कि ये कितना है, 22वां है ना, तो इसमें 24-25 घंटे लगे होंगे, है ना। और इसी में हमारा ये पेंटिंग भी बनके तैयार हो जाएगा, हम भी खुश, आप भी खुश, और जिनके लिए पेंटिंग बना रहे हैं वो भी खुश, है ना, गजब वाली बात। वेलकम अंजू सिंह, तो चलिए फिर मिलते हैं रात को, इसी को हम फिर से लेकर आते हैं। ये देखिए आ गई हैं साधना जी, साधना 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 कुमार, इन्होंने एक चीज नहीं लिखे हैं, गजब गजब गजब। तो इतना मिक्सिंग करना पड़ता है तब जाके वो बैलेंस में आता है कलर, है ना। यहां पे तो अभी करना ही है, अब फिर इसी को करते हुए ऊपर की तरफ हमको चले जाना है, तो अभी हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। सर पूरी पेंटिंग एक बार दिखा दीजिए। हाँ हाँ ये आप बोले हैं, हम इससे सहमत हैं, आपको दिखाना ही पड़ेगा। ये देखिए थोड़ा सा हम दूर हो जाते हैं, है ना, थोड़ा सा हम, है ना, तो ये भी अभी फेस हमारा बना नहीं है, ऊपर का जो है ना अभी बना नहीं है, ये सब भी बनेगा, ओके, बस आप लोग देखते रहिए। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, ये पेंटिंग चाहे हमको 20 क्लास हो या 30 क्लास हो, हम आके सामने ही बनाएंगे, है ना। तो इसमें इस पर 4-5 और क्लास लगेगा या ज़्यादा भी लग सकता है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। दीप राज विश्वास वेलकम, ठीक है ना, ये देखिए वो है ना, ओके अभी ये बैकग्राउंड है ना, ये रफ रफ सा लग रहा है, जब बैकग्राउंड जब बनने लगेगा ना तो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। अब यहां पे हमारा लगभग में ये कंप्लीट है ना, तो ये अच्छा लग रहा है ना, तो जो कंप्लीट होते जाएगा ना वो सुंदर लगते जाएगा, वो आपको लगने लगेगा कि हाँ ये कंप्लीट हो गया है, अच्छा लग रहा है ना। अभी ये सब जो पत्ता है ये सब में अभी कलरिंग है, इधर के कुछ पत्ते हैं ना इसमें अभी है शेडिंग करना है, और नीचे तो करना ही है, ये सब नीचे में ये सब तो करना ही है, बढ़िया वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट रात को, ठीक है, 9:30 बजे के बाद, और इस पे आगे का वर्क हम करते हैं, ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।